तो इस बार हमें हमारे पास आए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, तो हमने भी इच्छा जाहिर किया निश्चित तौर पे अपने लोगों के गांव के अगल बगल में, पूरे देश पूरे राज्य में घूमते हैं लेकिन अपने गांव के घर के अगल बगल में नहीं जा पाए हैं, तो आज इस उद्देश्य से आपके बीच में आए हैं। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और दूसरा एकता के साथ रहिए, एक दूसरे को संबंध रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार दौरे पर हैं। छठ महापर्व चल रहा है, नहाए खाए के साथ आज छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, लेकिन मुकेश सहनी बिहार दौरे पर हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे एकता बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में आज वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दरभंगा के कुचेश्वर स्थान पहुँचे थे। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि अब तक अपने आरक्षण के लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाए हैं, अब एकता बनाए रखिए समाज में और आरक्षण के लिए आवाज़ उठाइए, तभी आपका अधिकार है वो मिल पाएगा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और लोगों से पार्टी के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने लोगों से एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि एकता में बड़ी ताकत है, अगर हम एकजुट रहें तो अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी निषादों को जल्द आरक्षण मिलेगा। धौर और नदियानी गांव में लोगों को संबोधित करते हुए श्री सहनी ने कहा कि यह गांव हमारे पैतृक गांव के नज़दीक है, छठ के मौके पर आपके बीच आया हूं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार का कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां मैं नहीं पहुंच पाया हूं। मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि किसी समस्या का समाधान मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गरीब के घर जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन हमें अपने अधिकार के प्रति सजग होना होगा, हमें अपनी किस्मत मानकर नहीं बैठना होगा, तय है कि हम बिहार में भी झंडा गाड़ेंगे। क्या कुछ मंच से संबोधन कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। आप सभी को सनफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। आप लोग जैसे जानते होंगे कि आपके बगल के गांव सुपौल बाजार में ही मेरा भी घर है और मैं भी निषाद समाज में ही जन्म लिया हूं और पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में ही जन्म लिया। आप कह सकते हैं गरीब परिवार में जन्म लिया और हर तरह का अभाव जिंदगी में था बचपन में, और उसी समय में 18 साल की उम्र में कम ही उम्र में अपने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी हम करते थे और एक समय आया वहां पे एक बेहतर जिंदगी जीने लगे, अच्छा मुकाम हमने हासिल कर लिया, बड़े महंगे गाड़ी में घूमने लगे, बड़े घर में रहने लगे, एक बेहतर जिंदगी जीने लगे। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने गांव लौट के मैं आया बिहार, और 10 सालों से लगातार आपके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि जब पूरे 40-42 साल की उम्र में हम हमेशा गांव का नाम सुनते रहे हैं बचपन से लेकर अब तक कि हमारे गांव के बगल में गांव है भदर पगारी गांव है, हम सुनते आए लेकिन अभी तक नहीं आ पाए। आज पहली बार हमको लगता है कि हम आपके गांव में आए हैं। ऐसे तो हम पूरे भारत में अपने लोगों के बीच में अन्य कई राज्य में हम जाते हैं, लगातार 3 राज्य यूपी बिहार झारखंड में हम सक्रिय होकर घूमते हैं, अपने लोगों को जागरूक करते हैं, और बिहार राज्य में ऐसा कोई प्रखंड नहीं होगा कि वहां पे हम नहीं गए होंगे। लेकिन आपके पंचायत में हम पहली बार आए हैं अपने घर के बगल में, क्योंकि आप लोग हमारे घर के लोग हैं और हमको लगा घर के लोग हैं तो क्या वहां पे कभी भी चले जाएंगे, लेकिन इस बार हम छठ में आए हैं, तो इस बार हमें हमारे पास आए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, तो हमने भी इच्छा जाहिर किया निश्चित तौर पे अपने लोगों के गांव के अगल बगल में, पूरे देश पूरे राज्य में घूमते हैं लेकिन अपने गांव के घर के अगल बगल में नहीं जा पाए हैं, तो आज इस उद्देश्य से आपके बीच में आए हैं। तो देखिए, सभी को सर उठा के जीने का अधिकार है,
सभी के जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। ये आजाद भारत है, यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है, सब अपने आप को राजा है। उस रास्ते पे आप सभी को, हम सभी को चलने की आवश्यकता है। मानिए कि हम भले गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन गरीब मरना आपके हाथ में नहीं है। आप चाहेंगे तो आप बेहतर जिंदगी जीकर बेहतर बड़ा से बड़ा आदमी बन सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और आप अपने आप को मान लीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब घर में जन्म लिए, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही आपका हार होगा। अगर आप चाहिएगा तो आप हर मुश्किल को सामना करके आप जीत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपके परिवार में आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये समाज में, संसार में सर उठा के नहीं जी पाएंगे। अगर उसको बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, उनके लिए 10 कट्ठा के जमीन के बदले में 8 कट्ठा जमीन खरीद के दीजिए। 1 कट्ठा भी जमीन दीजिएगा उसके लिए घर काफी है, लेकिन वही बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिएगा तो 1 कट्ठा नहीं हजारों बीघा जमीन खरीद के आपके लिए दे सकता है। आप उसको काबिल बनाइए, बाकी जब वो काबिल बन जाएगा तो दुनिया को जीत लेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप भी, हम भी, आप देखिए ना, हम भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन मम्मी पिताजी ने कुछ पढ़ाया लिखाया, सोच समझ डेवलप हुआ, गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में जाकर हमने झंडा गाड़ दिया। वही अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, एकता के साथ रहिए, एक दूसरे को संबंध रखिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। ना जाने कब आपको कोई दूसरे, आपके पड़ोस के लोग आपको मदद करेंगे। तो इसलिए आपके आसपास में जितने लोग हैं उनसे अच्छे संबंध बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए। अपने अधिकार के लिए जागरूक होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज निषाद समाज के जितने भी उपजाति है, बीन, बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, जितने भी उपजाति के नाम से जाने जाते, सहनी, मुखिया, तमाम, हम सभी को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। दिल्ली में मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो सरकार जो है वो आपका काम नहीं किया, और आपने भी अपने काम के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ा, जिसका कारण है कि आपको आरक्षण नहीं मिला। आज आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके समाज में कलेक्टर होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, बड़े बड़े अधिकारी होता।